हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है और अभी तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसमें कितना टाइम लेगा, क्या टाइम लिमिट है इस पर आईटीआर प्रोसेसिंग की, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जो है मैं अलग अलग लॉगिन स्क्रीन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि क्या टाइमिंग लग रही है इस बार आईटीआर प्रोसेस होने की और क्या आईटीआर प्रोसेसिंग के यहाँ पर क्या टूल्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर काफी सारी ऐसी आईटीआर है जो हैंड टू हैंड प्रोसेस हो रही है, कुछ ऐसी आईटीआर है जो कि पेंडेंसी में जा रही है। तो उसमें से क्या रीजन है कि आईटीआर तुरंत प्रोसेस हो रही है, किस केस में जो है आईटीआर जो है वो काफी ज्यादा टाइम ले रही है, क्योंकि आईटीआर प्रोसेस होकर रिफंड मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप भी अगर अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं तो आपको भी एक्टिविटी कर लेनी है ताकि आपका रिफंड जो है जल्दी जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। आपको अपने पैन कार्ड से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है या ये एक्टिविटी जो है आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, मैं यहाँ पर पैन नंबर एंटर करते हुए पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर आप अपने पासवर्ड फॉरगोट कर सकते हैं, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने ई फाइल पर क्लिक किया, यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप जाकर देख रहे होंगे करंट ईयर है असेसमेंट 24-25 की जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो चुकी है। तो आईटीआर ऐसा नहीं है प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस केस में क्या था कि कोई भी रिफंड नहीं था और कोई भी डिमांड नहीं थी। एक्जेक्टली जो है आपको अपने आईटीआर फॉर्म का सही सिलेक्शन करना है, मतलब अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म भर दिया, जैसे आपके ऊपर जो आईटीआर 2 एप्लीकेबल थी, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी, तो यहाँ पर जो आपका आईटीआर फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। पहला रीजन है आप नोट कर लिए। दूसरा रीजन है AIS 26 years। तो आपको जो है आईटीआर फाइल करने से पहले AIS भी अपडेट करने हैं। काफी सारे ऐसे एसएससी थे जिन्होंने अपने रिटर्न को जो है स्टार्टिंग में फाइल कर दिया था अप्रैल मई में, तो उनकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हो रही है। रीजन ये है कि आपने अपनी इनकम को प्रॉपरली शो नहीं किया। जैसे अगर सैलरी आ रही थी तो प्रॉपर सैलरी, वहां पर कंप्लीट सैलरी नहीं आई हुई थी, कोई अदर इनकम थी तो उसमें आपका टीडीएस कटा हुआ था, तो वहां पर हो सकता है कि जो है केवल 9 months का टीडीएस हो, जनवरी फरवरी मार्च का, इसकी टीडीएस की रिटर्न जो है वो 31 मई थी, तो उसी का टीडीएस ना आया हो, आपने अपनी इनकम को कम शो कर दिया, इसलिए आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। नेक्स्ट रीजन आता है आईटीआर में कि आपने जो बैंक अकाउंट है वो प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं किया है, तो आप माई प्रोफाइल में जाकर यहाँ से जो है बैंक को प्रॉपर्ली वैलिडेट कर दीजिएगा। बैंक वैलिडेशन के लिए इस बार ओटीपी भी एनेबल किया गया है, जब तक वो ओटीपी आप वेरीफाई नहीं करेंगे बैंक ना तो डिलीट होगा ना ही ऐड होगा। तो थर्ड रीजन हो सकता है कि आपने बैंक की जो डिटेल्स है वो गलत तरीके से अपलोड की हुई है और उसमें जो है आपने बैंक को वैलिडेट नहीं किया हुआ, तो इस रीजन की वजह से जो सकता है आपकी आईटीआर प्रोसेस ना रही हो। अब मैं आपको दूसरी एक आईटीआर का यहाँ पर दिखा देता हूँ। आईटीआर का यहाँ पर मैं आपको जो है एक गोल्ड लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है सेकंड लॉगिन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसमें भी यहाँ पर आईटीआर फाइल हुई थी और आईटीआर फाइलिंग के बाद जो है प्रोसेस भी हो चुकी है। ये भी वही केस है कि यहाँ पर जो है रिफंड नहीं था, तो इस केस में जो आईटीआर प्रोसेस कर दी गई, तो आप इससे यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए जो रिफंड वाली आईटीआर है उसमें थोड़ा डिले हो रहा है आईटीआर फाइलिंग के बाद प्रोसेस होने में, सेम डे में प्रोसेस नहीं हो रही है। इसके अलावा जो आईटीआर है वो सेम डे में प्रोसेस की जा रही है। अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ, इसमें आईटीआर जो है रिफंड क्लेम किया गया है। तो इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटीआर फाइल की गई है, लेटेस्ट आईटीआर फाइल हुई है और अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि जो रिफंड वाली आईटीआर है उसमें प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस केस में जो है रिफंड एप्लीकेबल है और ज्यादा अमाउंट का रिफंड भी नहीं है, माइनर अमाउंट का यहाँ पर जो है टैक्स रिफंड बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो आईटीआर फाइलिंग में जो है आईटीआर फाइल होने के बाद प्रोसेस नहीं हुई है। तो अगर आपने सही फॉर्म फाइल किया है, करेक्ट इनकम के साथ फाइल किया है और उसमें प्रॉपर डिटेल्स को शो करते हुए अपने बैंक को भी वैलिडेट कर दिया, तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसके लिए जो है थोड़ा वेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें जो है जो रिफंड वाली आईटीआरस हैं वो 1 month के बाद प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जुलाई के एंड में प्रोसेस होना स्टार्ट हो सकती है, तो आपको कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आप जो है मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करके एक बार चेक कर सकते हैं कि आपकी आईटीआर जो है डिफेक्टिव तो नहीं हो गई है। काफी केस में क्या हो रहा है, अगर गलत आईटीआर आपने भर दी, डिटेल्स प्रॉपर्ली शो नहीं की थी, तो आईटीआर डिफेक्टिव भी हो सकती है। फिर उसका आपको जो है दो ऑप्शन है, तो आप रिवाइज कर दीजिएगा या फिर जो है आप उसके लिए डिफेक्टिव रिटर्न में सेक्शन 139(9) के अंडर में भी रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दो ऑप्शन वहां पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है कि आपने अगर अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया तो आपको बाद में याद आया कि आपने जो है गलत रिटर्न फाइल कर दी, तो उस केस में आप क्या करिएगा, यहाँ से रिवाइज रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। जब तक आपकी रिटर्न ओरिजिनल ड्यू डेट के अंदर फाइल्ड है तब तक आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवाइज रिटर्न करने में भी आपका कोई भी लेट फीस या चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आप जो है रिवाइज रिटर्न फाइल करिएगा करेक्ट तरीके से। रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करनी है वो भी सिंपल आसान है। हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पर वो भी बता देता हूँ, अगर आपने फॉर्म गलत लिया हुआ था तो आप रिवाइज रिटर्न में चेंज भी कर सकते हैं फॉर्म। तो
तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फॉर्म को चेंज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सही तरीके से सही इनकम रिपोर्ट करके अपने आईटीआर को फाइल करिएगा, आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वीडियो देखेंगे आपको 100% कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। आईडीआर 1 2 3 4 5 6 सबके लिए सेपरेट वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक